भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से यूपी के सीतापुर को 4 मोबाइल एम्बुलेंस वैन मिली है, जिससे जिले के लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। आपको बताते चले कि हर ब्लॉक में इस वैन को 15-15 दिन के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिससे गरीब जनता को एम्बुलेंस सेवा को फोन करके बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोबाइल जो है फर्स्ट पेज में हमारी एक एम्बुलेंस आई है, ये मोहल्ले ब्लॉक के लिए है और इसमें अगर आपने देखा होगा पैथोलॉजी जांच की सुविधाओं के साथ साथ एक मिशन ये है और मरीज के स्ट्रेचर पर उसको अंदर शिफ्ट करने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है और अगर कोई मरीज किसी वजह से चलने में दिक्कत है तो उसको रैंप से चल के उसको लिया जा सकता है। इसमें हमारी टीम पैरामेडिकल स्टाफ नर्स, ब्लड जांच करने के लिए ब्लड लैब असिस्टेंट और एक MBBS डॉक्टर की व्यवस्था इसमें की गई है। ये एक महीने का जैसे भ्रमण हमारा जैसे किसी ब्लॉक का है तो फर्स्ट हाफ में 15 दिन में जैसे जिन गांव में ये जाएगी 12 गांव में तो सेकंड हाफ में रिपीट में उस गांव को दोबारा जाकर कवर करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा एक रोस्टर बना तो ये गाड़ी प्रतिदिन 10 से 5 चलेगी और वहाँ किसी गाँव में गई तो उसका नंबर जो है सेकंड हाफ में दोबारा आएगा, जिससे कोई मरीज बीमार है या देखा गया उसके फॉलोअप के लिए जाकर उसको कवर करेगा। इसमें जब मरीज अंदर गांव में दूर दूर दराज, इसका उद्देश्य ये रखा गया है कि जहां पर जो हमारे सब सेंटर हैं जहां पर हमारे कवर नहीं है जो एरिया स्वास्थ्य सेवाओं से, उन एरिया को जाकर के एम्बुलेंस कवर करेगी और इसकी जो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो हमारा प्रचार प्रसार वहाँ के गाँवों को प्रधानों को और जो रोस्टर हमारा है ये पहले से वहाँ पर बता दिया जाए कि इस दिन हमारे इस गाँव में गाड़ी आएगी, इससे जो भी लाभार्थी किसी तरीके से बीमार लोग हमारे सब सेंटर पर दूर जाने में असमर्थ हैं वो इस गाड़ी में आकर के अपने खून की जांच कराएंगे और सामान्य लोगों की इनको दवा दी जाएगी। खून की जांच के उपरांत अगर कोई उसकी पैथोलॉजी में कुछ चीज़ ऐसा निकलता है कि उसको कोई बीमारी है तो उसको संदर्भन के लिए वो यही यूनिट हमारी इसको MBBS डॉक्टर चिकित्सा उपचार करेगा और मेन सेंटर पर CSC में या जिला अस्पताल में जैसी उसकी ज़रूरत होगी उसको लाएगा। प्रथम फेज में क्योंकि अभी हम एक ही ब्लॉक कवर कर रहे हैं इसको एक ही ब्लॉक के लिए है और 3 गाड़ियां भी और आनी हैं और इसका जो रोस्टर है इसका जो पूरा प्लान है ये सारा सबसे बड़ा ये है कि ऑनलाइन है, जितने मरीज हमारे देखे जाएंगे इसका ऑनलाइन डेटा लखनऊ में रहेगा। ये नहीं कि मतलब कोई मरीज देखा गया उसको क्या उपचार दिया गया उसको क्या जांच दी गई, वो डेटा पर रहेगा। तो ये प्रयास है कि हम लोग जो है उन लोगों तक दूर दराज लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुँचाने के लिए इसके लिए प्रयास करें।